प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले दो चरण में एनडी गठबंधन का सफाया हो चुका है, लेकिन तीसरे चरण से पहले ही कांग्रेस ने मानो पीएम मोदी की बातों को सच साबित करते हुए फुल सरेंडर ही कर दिया। भाई, जिस अमेठी रायबरेली की पहचान ही गांधी परिवार के गढ़ के तौर पर रही है, वहां कांग्रेस पहले तो लास्ट मिनट तक कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहा था, और जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो ऐसा सियासी ब्लंडर किया कि हर तरफ छीछा लेदर हो रही है इनकी। रायबरेली से राहुल गांधी को कैंडिडेट बना दिया गया, और जिस अमेठी से राहुल गांधी पिछली बार हारे थे वहां से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दे दिया गया। यानी जिस अमेठी में कल देर रात तक राहुल गांधी के पोस्टर लग रहे थे, मैंने आपको पाठशाला में दिखाया था, वहां राहुल चुनाव लड़ने गए ही नहीं, वो तो अमेठी से कट लिए। और स्मृति ईरानी से उनकी जबरदस्त टक्कर की मनोहर कहानियां सुनाने वाला पूरा इकोसिस्टम तक हैरान रह गया। उधर बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को पकड़ लिया और माहौल बना दिया बीजेपी ने कि भाई राहुल गांधी वायनाड से भी हार रहे हैं, इसलिए एक और सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी हार के डर से अमेठी से दूर भाग गए और रायबरेली को चुना है, यह बीजेपी बार बार कहने लगी। यानी कहां राहुल गांधी और कांग्रेस अपने लिए नया माहौल बनाने के लिए निकले थे, लेकिन कहां माहौल उनके ही खिलाफ बनता चला गया। दनादन खटाखट बीजेपी के नेताओं के बयानों के तीर निकलने लगे और बीजेपी ने यह नैरेटिव सेट कर दिया कि चुनाव के बीच ही कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस को अपनी पारंपरिक सीट पर भी जीत का भरोसा नहीं है। जैसे पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं इसलिए दूसरी सीट खोज रहे हैं, अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। अमित शाह ने कह दिया कि लिख कर ले लो, मैं लिख कर दे सकता हूं कि राहुल गांधी रायबरेली से भी हार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि भारत में संकट आएगा तो राहुल सबसे पहले इटली भागेंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने तो कह दिया राहुल गांधी पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। यानी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस पूरे मुद्दे को पब्लिक के सामने अपने हिसाब से रखा और यह बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया। भाई ये बातें तो होंगी, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि राहुल गांधी जो डरो मत का नारा लगाते थे, डरो मत के नारे से पीएम मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाते थे, अभी कुछ दिन पहले तू तड़ाक करके पीएम के लिए कह रहे थे कि मोदी डरता है तो मोदी ऐसा करता है, सारी दुनिया को डरपोक बताने वाले राहुल गांधी से सोशल मीडिया तक पर लोग पूछ रहे हैं कि डरो मत कहने वाले राहुल गांधी खुद डर के क्यों भाग गए, वो अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने क्यों चले गए। इसी बात पर आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी की भी क्लास लगा दी। पीएम ने क्या कहा एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि बीजेपी क्यों कॉन्फिडेंट है कि अमेठी की तरह राहुल को रायबरेली में भी वो हरा देंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे, और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत भागो मत। राहुल गांधी शायद ये सोचकर अमेठी की जगह पर रायबरेली से लड़ रहे हैं कि रायबरेली अमेठी के मुकाबले ज्यादा सेफ सीट है, लेकिन सेफ सीट तो एक वक्त अमेठी भी थी, लेकिन राहुल गांधी ने वो सेफ सीट भी स्मृति ईरानी के हाथों गवा दी। क्या रायबरेली में भी ऐसा हो सकता है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि आप देखिए कि अमेठी में जिस तरह से जीत का अंतर कम होते होते कांग्रेस ने वो सीट गवाई थी, वैसा ही हाल रायबरेली में कांग्रेस की जीत का अंतर कम होते होते बनने लगा है। अमेठी रायबरेली की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊं, उससे पहले आंकड़े क्या कहते हैं आपको वो दिखाता हूं। जरा देखिए कि क्या स्थिति रही है इन दोनों सीटों पर। जैसे जीत हार का मार्जिन देखिए, इसके बारे में आपको बताता हूं, और सबसे पहले आपको अमेठी के बारे में बताता हूं। अमेठी में क्या हुआ था, अमेठी में 2009 जीत हार का मार्जिन कितना था, 3,70,000 वोट। जीता कौन, राहुल गांधी जीते, राहुल जीते, ठीक है। इसी तरह 2014 इस वक्त
370,000 का मार्जिन घटकर 170,000 रह गया, 1.7 लाख, 1,07,000 माफ कीजिएगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जीते, बहुत भयंकर डेंट लगा, लेकिन राहुल गांधी अमेठी जीत गए। लेकिन ये संकेत मिलने लगे थे कि भैया 370,000, 1,07,000 रह गया, 1.07। और इसीलिए 2019 में देखिए क्या हुआ, 55,000 का जीत का मार्जिन रहा 55K, और राहुल जो है, राहुल यहां पर हार गए। यानी धीरे धीरे पहले मार्जिन घटा और उसके बाद राहुल गांधी निपट गए अमेठी के अंदर। अब जरा देखिए कि रायबरेली में क्या हुआ है, रायबरेली की स्थिति आपको बताता हूं। रायबरेली में जीत हार का मार्जिन 2009 के लिए देखिए कितना रहा, 372,000 का जीत और हार का मार्जिन रहा। जीता कौन? सोनिया जीती, सोनिया लड़ रही थी सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी जीती। इसके बाद 2014 में देखिए क्या हुआ, 2014 में ये 372,000 घटके 352,000 हो गया, लेकिन जीता कौन? फिर से सोनिया गांधी जीती। 2019 में यही जीत का मार्जिन घटकर 1,67,000 हो गया, यानी 352,000 से 1,67,000 हो गया, लेकिन विजेता फिर सोनिया गांधी ही रही। लेकिन जो सेम पैटर्न अमेठी में है कि धीरे 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 घटते घटते ये लोग हार गए, वही सेम पैटर्न रायबरेली में दिख रहा है कि वोट जो है 372,000 से घटते घटते जीत का मार्जिन 1,67,000 पे आ चुका है बॉस। यानी अगर राहुल गांधी अमेठी में 1,00,000 के अंतर को 2019 में बचाकर नहीं रख पाए और 55,000 वोट से स्मृति ईरानी से हार गए, तो फिर क्या रायबरेली में भी वही हो सकता है? क्योंकि वहां पर जीत और हार का अंतर अब 1,50,000 के आसपास है। शायद इसीलिए अब बीजेपी ये कह रही है कि जिस रायबरेली को राहुल गांधी सेफ सीट मान रहे हैं, वो उतनी सेफ भी उनके लिए है नहीं। बीजेपी तो रायबरेली सीट पर इतने आत्मविश्वास में है कि अमित शाह ने कह दिया कि लिख कर देता हूं राहुल गांधी रायबरेली से भी हार जाएंगे। सुनिए अमित शाह को। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं, मेरी बात लिख। यानी अमित शाह ताल ठोक कर कह रहे हैं कि लिख लो, राहुल गांधी और रायबरेली हारेंगे। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा। दिनेश प्रताप सिंह स्मृति ईरानी जैसा उनका उतना पॉपुलर नाम तो नहीं है, लेकिन वो स्थानीय नेता है और दमदार तरीके से रायबरेली की राजनीति करते रहे। 2019 के चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी और सोनिया गांधी की जीत का अंतर बहुत कम कर दिया। आज राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से नामांकन किया तो दिनेश प्रताप सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली इन नकली गांधियों का इंतजार कर रही थी, अब अच्छे से सबक सिखाएगी। सुनिए राहुल के सामने बीजेपी के कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह का बयान, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी के अमेठी से न लड़ने के फैसले का कांग्रेस किस तरह से बचाव कर रही है, अमेठी में हार के डर पर कैसे कैसे बहाने बना रही है। सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा कि कैसे लोग हैं बॉस। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और ना ही किशोरी लाल शर्मा मिले, तो मैं कह सकता हूं कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। 10 साल का तकलीफ, 10 साल का दर्द, 10 साल की उपेक्षा, ब्याज सहित इन नकली गांधियों से भारत रायबरेली के लोग वसूल करेंगे। लोग राहुल गांधी के अमेठी से न लड़ने के फैसले पर हैरान हो रहे हैं, उनके अपने लोग इस फैसले से खुश नहीं, उनके अपने लोगों को लग रहा है कि इससे मैसेजिंग सही नहीं गई। कैसे जाएगी बॉस? आप अपने गढ़ में लड़ नहीं पा रहे, लास्ट मिनट तक कैंडिडेट उतार नहीं पा रहे और आप अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए। अमेठी में प्रियंका वाड्रा, जीजा वाड्रा, इनका किसी का नाम नहीं है। क्या मैसेज है ये? मैसेज यही जा रहा है कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी से नहीं लड़े और रायबरेली की सेफ सीट पर चले गए। हर कोई इसी की बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस तो अलग ही दुनिया में है।
कांग्रेस जो बातें कर रही है उसे सुनकर किसी को भी हंसी आ जाएगी। जैसे कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है। बॉस, ये मास्टर स्ट्रोक है। राहुल गांधी राजनीति और शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। इस निर्णय से बीजेपी, उनके समर्थक और चापलूस धराशायी हो गए। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। जयराम रमेश ने प्रियंका वाड्रा के चुनाव लड़ने पर भी सफाई दी और उनके लिए प्लान बी तैयार रहने के संकेत दिए। जयराम रमेश ने कहा कि प्रियंका वाड्रा धुआंधार प्रचार कर रही हैं, इसलिए जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। तो राहुल गांधी दो जगह से लड़ रहे हैं तो वो देश में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा एक जगह से लड़ लेती तो देश में प्रचार बंद हो जाता उनका। सोचिए क्या लॉजिक दे रहे हैं। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगे, राहुल गांधी नहीं पहुंच पाएंगे क्या? आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती है। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गई। मतलब आप स्मृति ईरानी से शोहरत छीनने के लिए राहुल गांधी को अमेठी से नहीं लड़ाए कि स्मृति ईरानी हूं स्मृति ईरानी हो जाएंगी। अरे वो कैबिनेट मिनिस्टर है बॉस, वो फिर जीतेंगी तो फिर संसद में पहुंचेंगी। ये और अमेठी की पब्लिक को ये बोलिएगा कि हमको स्मृति ईरानी को नीचा दिखाना था इसलिए हमने राहुल गांधी को अमेठी से नहीं लड़ाया। आगे सुनिए, लिख रहे हैं कि शतरंज की कुछ चाले बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे बॉस, ऐसा शतरंज फाड़ के फेंक दीजिए, ऐसा शतरंज कौन खेलता है बॉस? इनके खुद के लोग ट्विटर पर जो है इनको भर भर के सुना रहे हैं कि क्या ही लॉजिक है। अमेठी छोड़कर रायबरेली से राहुल के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस में घनघोर कंफ्यूजन दिखाई दिया। पहले कांग्रेस नेता कहते थे कि अमेठी में राहुल के पक्ष में भयंकर माहौल है, राहुल आसानी से स्मृति ईरानी को हरा देंगे। फिर अचानक पता चलता है कि राहुल गांधी अमेठी नहीं रायबरेली से लड़ रहे हैं।